हिंडनबर्ग रिसर्च की रिपोर्ट के बाद देश भर में मचे सियासी बवाल के बीच आज कांग्रेस पूरे देश में LIC दफ्तरों के बाहर प्रदर्शन कर रही है। भोपाल में भी LIC कार्यालय के बाहर कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, जो यहां पे प्रदर्शन कर रहे हैं। और जो उद्योगपति गौतम अडानी उस पर अलग अलग तरीके के आरोप जो है वो लगा रहे हैं। अगर आप तस्वीरों में देखें तो LIC दफ्तर है और उसके ठीक सामने कांग्रेस का ये बड़ा प्रदर्शन है। और पूरे देश भर में आज ये प्रदर्शनों का सिलसिला जारी है LIC कार्यालय के बाहर। हमारे साथ पूर्व मंत्री PC शर्मा भी मौजूद है यहाँ पर, उनसे भी हम बात करते हैं। कैसे देखते हैं आज ये पूरे देश भर में आज ये प्रदर्शन हो रहा है इसको? नरेंद्र मोदी हाय 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 हाय। ये पूरे देश में कांग्रेस पार्टी ये आंदोलन कर रही है। LIC और SBI के माध्यम से गरीबों का पैसा डूबता हुआ दिख रहा है। और कोविड के टाइम भी आगाह किया था राहुल गांधी जी ने कि कोविड आ रहा है, तैयारी करो पहले, की नहीं इनने। उन्होंने हमेशा कहा कि ये गरीबों का पैसा अडानी अंबानी को दिया जा रहा है। अडानी सामने आ गए, अब इनके शेयर वेयर क्या क्या है वो सब 20 नंबर से नीचे चले गए हैं। इनको ये पैसा दे दे के इनको नंबर एक देश में, विदेश में, दुनिया में बनाया प्रधानमंत्री जी ने और BJP की दिल्ली की सरकार ने। और अब स्थिति ये बन गई है कि ये पैसा डूबत खाते में जा रहा है और पूरी केंद्र की सरकार इनको बचाने में लगी है। व्हाइट पेपर प्रस्तुत करे सरकार, पार्लियामेंट चल रही है जारी करे, और वित्त मंत्री का इस्तीफा हो। और जिस तरह से ललित मोदी माल लेके रवाना हो गए, जिस तरह से चौकसी और पता नहीं कौन कौन रवाना हो गए, ये इनके साथ भी वो स्थिति न बन जाए, इसलिए इनका पासपोर्ट जब्त हो और एक व्हाइट पेपर सरकार प्रस्तुत करे, ये हमारी मांग है। और गरीबों का सब चीज़ प्रॉपर्टी इनके जब्त करके गरीबों का, चाहे वो बैंक का पैसा हो चाहे LIC का, उनको दिया जाना चाहिए। कांग्रेस का प्रदर्शन है भोपाल में हो रहा है LIC कार्यालय के बाहर, और कांग्रेस की साफ तौर पर मांग है कि गौतम अडानी का पासपोर्ट जो है वो जब्त होना चाहिए ताकि वो देश छोड़कर के भाग ना सके। कैमरामैन अमरीश के साथ अमीश पाल सिंह, भोपाल आज तक। नमस्कार, स्वागत है आपका MP तक पर, मैं हूं रवीश पाल सिंह। देश भर में विवाद चल रहा है हिंडनबर्ग रिसर्च की जो रिपोर्ट आई है उसके बाद, और कांग्रेस आज देश भर में प्रदर्शन कर रही है। राजधानी भोपाल में भी कांग्रेस का प्रदर्शन है LIC दफ्तर के बाहर, और अगर आप देखें तो भोपाल के रंगमहल चौराहे पे जो LIC का प्रदेश कार्यालय है वहां पर एक बड़ा प्रदर्शन कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता कर रहे हैं। कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं यहां पे, इसके साथ ही पूर्व मंत्री PC शर्मा मौजूद है, कांग्रेस के तमाम दूसरे जो कार्यकर्ता हैं वो भी यहां मौजूद हैं, उन सबसे हम बात करेंगे। यहां पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के इस्तीफे की मांग कर रही है कांग्रेस, और इसके साथ ही गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त करने की मांग जो है वो भी कांग्रेस की तरफ से हो रही है। कैसे आप देखते हैं इस पूरे ये पूरा जो विवाद चल रहा है इसके बीच में कांग्रेस आज प्रदर्शन कर रही है देश भर में, क्या मांग है आप? कांग्रेस पार्टी मांग करती है, आज हम जीवन बीमा निगम के सामने प्रदर्शन कर रहे हैं, और हमारी मांग है कि संसदीय समिति से इस पूरे केस की जांच कराना चाहिए। कितने का घोटाला हुआ है वो भी सामने आना चाहिए, SBI का कितना पैसा है वो भी सामने आना चाहिए, जीवन बीमा निगम का कितना पैसा है वो भी सामने आना चाहिए। ये कहीं ना कहीं भारत देश की जनता का पैसा है, और जनता का पैसा की रखवाली करने का दायित्व पूरा भारत सरकार का होता है। भारत सरकार अपने दायित्व पर खरी नहीं उतरी है, और ये पूरा पैसा अडानी जी ने कहीं ना कहीं ऐसी जगह पे लगा दिया है जो आज हमारी देश की जनता कंगाल हो रही है। और दो विभाग, जीवन बीमा निगम और SBI बैंक, कहीं ना कहीं डूबने की कगार पर है। कांग्रेस पार्टी मांग करती है कि संसदीय समिति से इसकी जांच पूरी होना चाहिए, दूध का दूध पानी का पानी सामने, जनता के सामने आना चाहिए। आप लोग इस्तीफे की भी मांग कर रहे हैं वित्त मंत्री की, क्यों भाई? वित्त मंत्री का जो है संरक्षण इनको मिला जब तो ये इतना बड़ा घोटाला हुआ है। और मैं बार बार कहता हूँ, राहुल गांधी जी बार बार कहते थे कि गरीबों का पैसा इनको दिया जा रहा है अडानी अंबानी को, तो ये मिस्टर अडानी का ये मामला एक्सपोज हो गया है। जब आज जो नंबर एक पे आते थे शेयर वो नीचे गिर गए, और ये पैसा डूब के ये कब रवाना हो जाए ललित मोदी माल्या और चौकसी की तरह, इससे कोई भरोसा नहीं है। इसलिए इनको रोका जाने के लिए पासपोर्ट भी जब्त हो, और ये वाइट पेपर कि आखिर हुआ क्या, ये भी सरकार संसद में पेश करे। एक नारा है LIC का, जिंदगी के बाद भी जिंदगी के साथ भी, अब क्या होगा? LIC का जो स्लोगन है, जो लोगो है, जिंदगी के साथ भी जिंदगी के बाद भी, अब उसका क्या होगा?
उसका लोबो तो अब यही हो गया है कि अभी तो ये अडानी के साथ हो गई है LIC इनके वित्त मंत्री और प्रधानमंत्री के कहने पे। आपको क्या लगता है कि इससे कुछ हो पाएगा, प्रदर्शन जो आज देश भर में हो रहे हैं इससे? इस देश के प्रदर्शन से राहुल गांधी जी पहले भी कह चुके थे, और संसद के अंदर एक सिक्योरिटी गार्ड बोल रहे मेरा मित्र है, मैंने उसको बोला था कि भैया तुम खुश क्यों नहीं जा रहे हो, तो उसने बोला मैं खुश इसलिए नहीं जा रहा हूं। अभी पैसा है LIC में, आपने भी इन्वेस्ट किया? मेरा है, मेरे बच्चे की पॉलिसी है, हम तो पूरे चिंतित, हम गरीब लोग हम परेशान हो जाएंगे, हमारा क्या होगा। मोदी जी को तत्काल इस्तीफा दें, वित्त मंत्री को भी बरखास्त करें और तत्काल राष्ट्रपति शासन देश में लागू किया जाए। 30% कम हो गया, 30% कम हो गया, जो कि 10 लाख मिलना था तो 7 लाख मिलेगा, पूरा 3-3 लाख रुपए सबका कम हो जाएगा। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, मतलब 30% का फर्क पड़ जाएगा। तो ये 22 लोग जो गए हैं उसके साथ ये नहीं हो कि 23 वहां भी नाम आ जाएगा, 23 हो गए, अभी तक 22 गए, अब 23 में नहीं हो जाए। आप देख सकते हैं कांग्रेस का प्रदर्शन फिलहाल भोपाल में, जहां पे कांग्रेस साफ तौर पर मांग कर रही है कि गौतम अडानी का पासपोर्ट जब्त किया जाए, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को इस्तीफा देना चाहिए। इस पूरे विवाद के बाद MP तक के लिए भोपाल से कैमरामैन अमरीश के साथ में रवीश पाल सिंह।